हाईवे से शराब की दुकानें हटाने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए उत्तराखंड सरकार के आबकारी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। खबरों के मुताबिक आबकारी विभाग ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला दिया है। आबकारी विभाग ने याचिका में सिक्किम की तर्ज पर 500 मीटर के आदेश में छूट देने की मांग की है और इसके लिए आबकारी विभाग की एक टीम लगातार दिल्ली में मौजूद है। उत्तराखंड आबकारी विभाग के कोर्ट से इस मसले पर रियायत की उम्मीद है और उत्तराखंड की 525 शराब की दुकानों में से लगभग 400 दुकानें तो हाईवे पर हैं। चलिए हम सीधा रुख करते हैं मयंक राय देहरादून से हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। मयंक, उत्तराखंड की अगर बात करें तो करीब जिस तरह से रिकॉर्ड ये कहता है कि यहाँ की जो शराब की दुकानें हैं वो करीब 400 दुकानें हैं जो हाईवे के ही आसपास हैं और अब आबकारी विभाग द्वारा एक दलील भी दी गई है, जो याचिका दी गई है, इसमें क्या कुछ कहा गया है? देखिए शिल्पी, राज्य सरकार की तरफ से जो याचिका पुनर्याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में, एक हफ्ते पहले से इसकी कवायद शुरू कर दी गई थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं उनमें से सिक्किम को रिलैक्सेशन मिला है, तो सिक्किम को देखते हुए ही उत्तराखंड ने ये सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका डाली है कि हमें भी, चूंकि हम भी एक पहाड़ी राज्य हैं और यहाँ की जो विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, तो इस वजह से अगर हम बात करें तो इसके जो मैक्सिमम शराब की दुकानें हैं 526 में से 400 टोटल दो दुकानें ऐसी हैं जो नेशनल हाईवे पे या स्टेट हाईवे पे हैं, उनके लिए सरकार ने एक याचिका डालते हुए ये कहा है कि हमें रिलैक्सेशन दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश के साथ 8 मई को इस पुनर्याचिका पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो आबकारी महकमा और सरकार को ये पूरी उम्मीद है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट इन्हें कुछ रिलैक्सेशन देगा, जिसके बाद ये तमाम जो दुकानें हैं शराब की दुकानें जिन पे फिलहाल बंद होने का बंद चल रही हैं उनको खुलने का एक मौका मिल जाएगा। तो 8 मई का इंतजार है। और दूसरी तरफ जिस तरफ से शराब का विरोध है उत्तराखंड में, उसके बाद राज्य सरकार द्वारा कुछ दुकानों पहाड़ के दुकानों को लेकर नियमों में समय में बदलाव किया, 3 से 9 का समय एक निर्धारित किया गया कि पहाड़ में दोपहर 3 से और रात 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी। लेकिन जो प्लेन्स की एक मैदान की जिलों की हम बात करें, देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, ये 3 बड़े जिले हैं उत्तराखंड में जहाँ पे कई सारी दुकानें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जद में आएंगी। तो यही एक वजह है कि याचिका डाली गई है, उस पर 8 मई को जो सुनवाई होने वाली है उस पर आबकारी महकमे को, राज्य सरकार को इंतजार है कि कहीं वो सुनवाई उनके फेवर में आ सकती है। शिल्पी, शुक्रिया आपका।